दोस्तों क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, वीडियो नंबर 2 है, जहां पर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आज बांग्लादेश के बारे में, श्रीलंका के बारे में, नेपाल के बारे में। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जो है पाकिस्तान के बारे में पढ़ लिया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों बांग्लादेश के बनने के कारण, या फिर हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्या रीज़न रहा है कि वहाँ पर जो है लोकतंत्र अच्छे से नहीं रह पाया, या फिर कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र, या क्या स्थिति बनी रही, सब कुछ हम लोग बांग्लादेश के बारे में समझते हैं। आई होप आपने पाकिस्तान के बारे में जो है ढंग से समझ लिया होगा कि पाकिस्तान में किस तरीके से उठा पटक चलती रही आपके लोकतंत्र की, कि कभी वहाँ पर सैनिक शासन स्थापित हो जा रहा है तो कभी वहाँ पर जो है फिर से मतलब लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 1947 से लेकर के 1971 तक जो अपना मतलब प्रेजेंट टाइम पर जो बांग्लादेश है ना, वो अपने देश का टूटा हुआ पार्ट यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा था। और जब पाकिस्तान में चुनाव किए जाने लग गए तो दोस्तों क्या हुआ वहाँ पे कि इन्होंने परमाणु बम का परीक्षण कराना शुरू कर दिया था पाकिस्तान के सेना जनरल ने। तो उसी समय पर चुनाव के कारण जो बांग्लादेश था दोस्तों वहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे कि उनमें से कुछ प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। सबसे पहला ये है कि पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा दबदबा था। अब मैं एक रफली फिगर बना रहा हूँ, आप इस फिगर को ध्यान से देखिए और ये कोई आप असली फिगर से जज मत करिए। मान लीजिए कि श्रीलंका है और यहाँ पर जो है आपका पाकिस्तान है पूर्वी वाला, और यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी वाला। जो पूर्वी पाकिस्तान है ये 1971 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, इनका ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबदबा था। चूँकि देश इन्हीं का था तो दबदबा भी इन्हीं का होगा, लेकिन बात ये है कि जब लोकल पार्ट ये है दोस्तों तो इसका जितना भी शासन होना चाहिए वो यहीं के लोगों द्वारा होना चाहिए, है ना। या फिर अगर आपको दोनों देशों को जोड़ के रखना था तो अपने ही असेंबली के कुछ लोगों को यहाँ पर स्थापित कराते, बैठा लेते, या फिर यहाँ के कुछ लोगों को यहाँ पर रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि पश्चिमी पाकिस्तान का बड़ा दबदबा रहा पूर्वी पाकिस्तान पे, है ना। तो इस कारण से यहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन दूसरा जो बड़ा कारण था दोस्तों वो था उर्दू भाषा थोपने का। जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने काफ़ी समय पहले असम और बंगाल से बांग्लादेश को तोड़ करके अलग कर दिया था, तो यहाँ पर भाषा तो बंगाली ही चलती थी बांग्लादेश में, है ना। तो बांग्लादेशी मतलब बंगाली भाषा चलने के कारण इन लोगों ने उर्दू भाषा वहाँ पर थोपनी शुरू कर दी कि उर्दू भाषा बोलनी पड़ेगी। अब दोस्तों भाषा जो होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कुछ एक समुदाय के लिए। इस कारण से यहाँ की जनता यानी कि बांग्लादेश की जनता काफ़ी ज़्यादा रुष्ट होती चली गई, लेकिन अभी भी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं था। थोड़े समय बाद में यहाँ पर इनकी संस्कृति को भी दबाना शुरू कर दिया गया, मतलब बांग्लादेशी जो संस्कृति थी। अभी सब कर कौन रहा था, पश्चिमी पाकिस्तान के जो जनता थी, जो आवाम थे यानी कि जो लीडर हैं होंगे, उन्होंने दोस्तों ये करना शुरू कर दिया कि यहाँ की संस्कृति को भी दबाना शुरू कर दिया। अब तो हद होती जा रही थी, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। दिक्कत तब शुरू हुई जब दोस्तों राजनीतिक चुनाव के बारे में बात शुरू हुई कि राजनीतिक सत्ता में इनको शामिल नहीं किया जा रहा था। कहने का मतलब है कि चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, लेकिन पार्टी जो है वो यहाँ की ही यहाँ पर शासन करेगी, ये बात जो थी इन लोगों को पसंद नहीं आई। और इसी के कारण बांग्लादेश में जो है ना अपनी एक नई पार्टी बनाई गई दोस्तों, वहाँ पर इनकी पूरी पार्टी के खिलाफ ये लोग अपनी एक पार्टी बनाते हैं। और इसके बाद में दोस्तों प्रॉब्लम ये हुई कि इस जगह पर जो राजनीतिक सत्ता चल रही थी उस पर इन्हीं लोगों का अधिकार नहीं था, बल्कि अधिकार इन लोगों का था। तो यहाँ के जो लोग थे यानी कि जो बांग्लादेशी लोग थे, कह सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब इसी आंदोलन के दौरान दोस्तों जो पाकिस्तानी सेना के जनरल कमांडर थे, उन्होंने अपनी सेना भेजी यहाँ पर और जाकर के जो है मारने के लिए या ज़बरदस्ती प्रोटेस्ट बंद कराने की कोशिश कराई। अब अच्छा, बांग्लादेश में जब प्रोटेस्ट बंद कराने की कोशिश कराई तो जो पाकिस्तान से सेना आई थी, यहाँ से सेना जो आई थी, उन्होंने यहाँ के काफ़ी सारे लोगों को मार डाला। अब ये जो लोग मरने लग गए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपनी जान बचा करके भागना शुरू कर दिए। उसमें से कुछ लोग भाग भाग करके भारत आ गए, और जब वो भारत आए तो दोस्तों भारत ने क्या किया, बांग्लादेश का सपोर्ट किया, बांग्लादेश का समर्थन किया कि बांग्लादेश जो मांग कर रहा है वो सही कर रहा है। हालांकि उस टाइम तक में बांग्लादेश नाम नहीं था इसका, इसका नाम था शगुन। जो बांग्लादेश का पुराना नाम है दोस्तों वो नाम था शगुन। तो यहाँ पर शगुन के लोग जो मांग कर रहे हैं वो सही मांग कर रहे हैं, ऐसा भारत का कहना था। यही एक वजह बनी कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ गई।
पाकिस्तानियों का कहना था कि भाई हमारा ही वो पार्ट है, दूसरा हमारा पार्ट है पाकिस्तान है जिसका नाम शगुन है, तुम उसमें क्यों उंगली कर रहे हो। तो भारत भी अब करता गया, भारत के साथ में एक प्रॉब्लम थी कि लाखों लोग भाग भाग करके वहाँ से यहाँ पर आ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, और यहाँ की सेना वहाँ पर मंडरा रही थी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके कारण भारत ने सपोर्ट किया बांग्लादेश का, लेकिन इसी वजह से इनके और इनके बीच में युद्ध छिड़ गया। अब दोस्तों आप जानते हो कि भारत इन मामलों में कभी पीछे रहने वाला तो है नहीं, तो भारत ने क्या किया, इनको मुंकी खिला दी, यानी कि हरा दिया। अब जब पाकिस्तान हार गया तो दोस्तों इसी बीच में मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो चुनाव के इलेक्शन जीते थे शेख मुजीबुर रहमान ने भारी बहुमतों से, दोस्तों उन्होंने अपने आप को एक स्वायत्त देश यानी कि एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और अपने आप से कह दिया कि भाई अब हमें पश्चिमी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो पाकिस्तान था पूर्वी पाकिस्तान वो अब नया देश बन गया, बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। यही आपका 1971 तक का इतिहास रहा है बांग्लादेश का। बांग्लादेश की शुरुआत हो गई यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के शासन को संभालते हैं। शासन को संभालने के बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक सोची, उस ट्रिक के कारण इनको बहुत नुकसान हुआ, बाद में बताऊँगा अभी क्या है। सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने अध्यक्षात्मक प्रणाली को चुना। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है, जैसे संसदीय शासन प्रणाली होती है और अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है, इसके अलावा अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली भी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना शासन प्रणाली बनाया और 1975 की बात है, 1975 में इन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ करके बाकी सभी पार्टियों को ख़त्म कर दिया। और जैसे ही बाकी सभी पार्टियां ख़त्म हुई दोस्तों वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब आप पूछोगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम शुरू होगी, जैसे अपने देश में मान लीजिए कि एक पार्टी है अभी बीजेपी की और दूसरी पार्टी है कांग्रेस की, अभी सत्ता में है बीजेपी की पार्टी जो सत्ता में दोस्तों उन्हीं की सरकार है, वो सरकार चाहे तो जो संविधान है उसमें संशोधन करके जो कांग्रेस पार्टी है उसके पावर्स उसकी राइट्स को ख़त्म कर सकती है, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ की सरकार ऐसी नहीं है, हम लोग चालाकी नहीं करते, हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार के जनता के साथ में चलने की कोशिश करते हैं, जो जनता का फैसला होता है वही यहाँ पर अपने देश में अपनाया जाता है। जबकि यहाँ पर मुजीब ने सोचा कि अगर हम दूसरी पार्टियों को हटा देंगे तो दोस्तों दोबारा कभी इलेक्शन की नौबत ही नहीं आएगी, तो हमेशा के लिए हम जो है राष्ट्रपति बने रहेंगे बहुत लंबे समय तक। तो ऐसा इन्होंने सोचा और सारी पार्टियाँ क्या कर दी, ख़त्म कर दी। पार्टी के ख़त्म कर दी दोस्तों यहाँ पर जो लोग थे वो वापस से गुस्सा हो गए 1975 में और बगावत जो थी वो कर दी इन्होंने और सेना ने मिलके, यानी कि सेना और लोग वापसी से मुजीब के पीछे पड़ गए और फाइनली मुजीब रहमान को मार डाला गया, हत्या हो गई इनकी। मारने के बाद में दोस्तों जो कमान थी बांग्लादेश की वो संभाली जिया उर रहमान ने 1979 में, और ये वहाँ के जनरल बन गए। और लेकिन हुआ क्या कि जिया उर रहमान भी काफ़ी लंबे समय तक नहीं टिक पाए। इसके बाद में दोस्तों जिया उर रहमान ने फिर से एक पार्टी बनाई 1979 में, और 1979 में जिया उर रहमान काफ़ी ज़्यादा वोट मिले और ये बन गए अपने देश के मतलब बांग्लादेश के जो हैं शासनकर्ता, मतलब इन्होंने पूरी बागडोर संभाल ली। लेकिन कुछ ही समय बाद में इनकी हत्या हो गई फिर से, और जब ये मर गए तो मरने के बाद में भाई यहाँ पर जो है मैंने मरना शब्द प्रयोग किया, जबकि आपको पता है किसी भी राष्ट्र नेता के लिए हम लोग मरने जैसा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन दोनों का सेंस एक ही है, तो मैं मरना बोलूँगा या हत्या करना बोलूँगा सेम मतलब है, लेकिन आप लिखेंगे नहीं बोर्ड की कॉपी पर, अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप हत्या करना लिखेंगे, इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो मैं बोलूँगा मर गए। तो जियाउर रहमान जब इनकी हत्या हो गई, चलो मैं अभी ठीक तरीके से बोल देता हूँ, जियाउर रहमान की जब हत्या हो गई तो लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद ने पूरा पद संभाला। और दोस्तों ये फिर से यहाँ पर सेना का शासन शुरू हो गया। सेना का शासन शुरू होते ही जनता जो थी ना वो अब तक लोकतंत्र का काफ़ी सालों तक स्वाद चख चुकी थी, उसको पता था कि लोकतंत्र के क्या क्या फ़ायदे हैं। आप समझ सकते हो कि मतलब एक ऐसा देश है यार जहाँ पे लोकतंत्र एक बार स्थापित हो चुका है, दो बार वोट दिए जा चुके हैं, पहली बार में मुजीबुर रहमान को वोट दिए गए और दूसरी बार में जियाउर रहमान को वोट दिए गए, है ना, 1971 में और 1979 में। तो दोस्तों जनता क्यों चाहेगी कि वापस से सेना शासन शुरू हो, इसीलिए जनता ने इनको फिर से हटा दिया और इनको जनता का गुस्से का सामना करना पड़ा। फिर दोबारा से जनरल इरशाद जो थे उन्होंने वोट कराया और 1991 में यानी कि 2 सालों बाद में ये राष्ट्रपति बने, लेकिन जनता तो जनता है दोस्तों, उन्होंने इनको भी हटा दिया और 1991 में, सॉरी मैंने यहाँ पर बताया जनरल इरशाद 1990 में राष्ट्रपति बने थे लेकिन 1991 में इनको हटना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद में 1991 से दोस्तों वहाँ पर आज तक लोकतंत्र ठीक तरीके से कायम है। तो ये सारा कुछ बांग्लादेश की कहानी है,
अब आप देखो कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, किस तरीके से जो लोग हैं वो गलती कर रहे हैं, या फिर बांग्लादेश ने कौन कौन सी गलती करी, या फिर किन गलतियों से उसने सीखा, या फिर लोगों ने वहाँ के क्या चीज़ें करी क्या नहीं करी, मुझे कमेंट करके बताओ। इसके बाद में दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं नेपाल के बारे में। अब तक दोस्तों हम लोगों ने बांग्लादेश के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की जो सबसे खास बात है, जिस बात के लिए नेपाल का जो है मतलब पूरी दुनिया में नाम है, वो ये है कि नेपाल आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं हुआ। बाकी सभी देश लगभग कोई ना कोई किसी ना किसी का गुलाम रह चुका है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं नेपाल के लोकतंत्र की, या फिर नेपाल के कह सकते हैं राजतंत्र की, या फिर वहाँ पर क्या चला, कैसी सत्ता थी, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो देखिए जैसा कि हम सबको पता है, नेपाल में बहुत लंबे समय तक यानी कि 2006 तक राजतंत्र चला। हालांकि भूटान में अभी भी है, लेकिन यहाँ पर 2006 तक राजतंत्र चला। तो 2006 तक ये फाइनल आंसर है। लेकिन दोस्तों हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र वहाँ पर भी स्थापित हुआ, तो कैसे हुआ। अगर हम लोग नेपाल के इतिहास को देखें तो राजतंत्र काफ़ी लंबे समय तक रहा है। इसके बाद में यहाँ पर राजा ने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पर राजा ने सेना की मदद से शासन को अपने कायम कर दिया था। अच्छा, राजा की बात रही तो जैसे सेना जो होती है वो उस टाइम तक भी इसी तरीके की थी, जैसे कि बहुत पहले वाले हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं वैसी सेना, उसकी मदद से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आर्मी की मदद से, जो आजकल हम लोगों की जो हम लोग यहाँ पर देखो आर्मी होती है, उनके यहाँ पर क्या रह रही थी उस टाइम पर, सेना। नाम सेना था लेकिन बेसिकली वो आर्मी को ही कहा जा सकता है। तो आर्मी या सेना की मदद से इन्होंने क्या किया कि पूरे शासन पे यानी पूरा जो राज्य था उस पर अपना शासन कायम रखा। इसके बाद में दोस्तों 1990 में ना लोगों को देखा इन्होंने कि चारों तरफ हर देश जो है वो लोकतांत्रिक होता जा रहा है, जनता थोड़ी बहुत ऐसे मांग करने लग रही होगी कि लोकतांत्रिक देश चाहिए, लोकतांत्रिक संविधान चाहिए, और शासन प्रणाली भी लोकतांत्रिक चाहिए। तो वहाँ के जो राजा देवेंद्र थे उस समय के, उन्होंने दोस्तों लोकतंत्र स्थापित करने की जो है घोषणा कर दी, और काफ़ी हद तक ही लोकतंत्र स्थापित करने दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि लोकतंत्र जैसे ही स्थापित हुआ, वहाँ पर एक उग्र संगठन थोड़ा सा उत्पन्न हो गया, या फिर कहाँ से उद्भव हुआ उग्र संगठन का, जिसको माओवादी कहा जा सकता है। उन लोगों ने दोस्तों क्या किया कि राजा के खिलाफ वो खड़े हो गए कि ये जो संवैधानिक लोकतंत्र स्थापित होने जा रहा है ये नहीं होगा। इन माओवादियों ने हिंसक लड़ाई करना शुरू कर दिया दोस्तों राजा के साथ में, या फिर कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र था जिसको अभी अभी मात्र स्थापित किया था 1990 के कुछ ही लंबे बहुत कम समय तक के लिए जो स्थापित हो पाया था उसको हटा दिया, और हटाने के बाद में पूरे साम्राज्य पे अपना जो है, साम्राज्य तो बेसिकली नहीं कह सकते, पूरे देश पे अपना जो है शासन स्थापित करने लग गए। अभी यहाँ पर इनका ना पूरे देश में कई जगहों पर प्रभुत्व हो गया था, लेकिन फिलहाल राजा जो थे वो तो अपनी तरफ से अपनी सेना लेकर के लड़ी रहे थे, और साथ में जो है जनता के जो लोकतंत्र के समर्थक थे दोस्तों वो भी प्रोटेस्ट किए जा रहे थे कि भाई हमको लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। तो इस तरीके से ना यहाँ पर एक त्रिकोणीय संरचना बन गई, त्रिकोणीय संघर्ष होने लग गया। राजा की सेना का संघर्ष लोकतंत्र के समर्थकों से भी था, राजा की सेना का संघर्ष माओवादियों से भी था, माओवादी लोकतंत्र से भी, लोकतंत्र समर्थक के भी खिलाफ थे, और माओवादी राजा के भी खिलाफ थे। कहने का मतलब यहाँ पर एक त्रिकोणीय संघर्ष बन गया, तीनों लोग आपस में तीनों से लड़ने लग रहे थे, और इस तरीके से काफ़ी लंबे समय तक की वहाँ पर प्रोटेस्ट चलता रहा। फिर दोस्तों कई बड़ी मुश्किल से जो है थोड़ी बहुत सरकार वहाँ पर बच रही थी, क्योंकि लोकतंत्र था, पूरी तरीके से नहीं गिरा था, कुछ हद तक था। उसको दोस्तों राजा ज्ञानेंद्र ने पूरी तरीके से हटा दिया। अभी मैंने यहाँ पर पहले नाम लिया था देवेंद्र, यहाँ पर लिया ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र देवेंद्र के ही भाई थे, उन्होंने दोस्तों देवेंद्र की जो है हत्या करा के खुद ही अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो 2002 में क्या हुआ कि इन्होंने सरकार गिरा दी, यानी कि जो भी थोड़ी बहुत बची खुची वहाँ पर संवैधानिक प्रणालियाँ चल रही थी वो सब कुछ पूरी तरीके से बंद हो गई, और इन्होंने सोच लिया कि अब तो यहाँ पर राजा वाला ही सिस्टम लंबे समय तक हम चलाएंगे। लेकिन दोस्तों वही बात है ना, जनता के मुंह में स्वाद लग गया था किस चीज़ का, लोकतंत्र का, और आसपास में लोकतंत्र भाई सब जगह पर था ही था, तो वहाँ की जनता को भी लोकतंत्र चाहिए था। तो लोकतंत्र के लिए भाई अब जो प्रोटेस्ट करना शुरू किया लोगों ने, बहुत तगड़े से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और हर तरफ जो है मतलब सब लग गए कि नहीं अब तो लोकतंत्र चाहिए, वापस से चाहिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ माओवादी थे जिन्होंने भी अब तक साथ देना शुरू कर दिया था कि अब हमको लोकतंत्र चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ वादे करवा लिए थे कि जैसे ही लोकतंत्र अगर स्थापित होगा तो हमको सेना में थोड़ा सा मतलब जो सत्ता होगी इसमें थोड़ा सा हिस्सा मिलना चाहिए। इस तरीके से कई सारी बातें हुई, प्रोटेस्ट खूब तगड़ा सा हुआ। तो 2006 में फिलहाल राजा ज्ञानेंद्र को जो थे ना उनको कहना पड़ा कि ठीक है अब भाई आपका सबका मन है तो स्थापित करो, और क्या कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है कोई, क्योंकि जब जनता ही
पूरी एकजुट हो जाए तो राजा हो या कोई भी हो झुकना पड़ता ही है। तो 2006 में फाइनली लोकतंत्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई। अब इसके बाद में इन्होंने कई सारे गेम खेले कि मतलब अपने आप को ही बनाए रखने की कोशिश करी, लेकिन वो सब कुछ चल नहीं पाया। करते करते हुआ क्या कि 2015 में जा करके दोस्तों यहाँ पर संविधान बना, लागू हुआ और तब से खड़क प्रसाद ओली जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब दोस्तों खड़क प्रसाद ओली के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुनी रखा होगा। अभी जो भारत और चाइना का जो विवाद चल ही रहा है उसमें खड़क ओली सिंह जो है मतलब खड़क प्रसाद ओली वो भी अपना लेकर के टंडीला आगे आ गए कि भाई भारत जो है हमारे खिलाफ होना चाहता है, मतलब इस तरीके से झूठ झूठ बातें करने लगे। आपने खूब नाम सुना होगा, चर्चा में खूब रहे हैं। तो जो भी हो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से लोकतंत्र स्थापित हुआ है। दोस्तों इन सबके ना रिलेशन भारत से काफ़ी अजीब हैं। कैसे, आपने नाम जैसा कि चैप्टर से सुना सहयोग वाला मामला भी है थोड़ा सा कौन सा मामला है यहाँ पे, संघर्ष वाला मामला भी है। तो जैसे कि आप ओली का नाम जानते हैं और अब भी प्रेजेंट टाइम का मैंने उदाहरण दिया जो आपकी बुक में भी नहीं हुआ, भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पर संघर्ष भी है और साथ में कहीं ना कहीं पर सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, जो कि मैं आपको अगले वाले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं दोस्तों तो आप मुझे जो है कमेंट में FOG लिख करके बताएं ताकि मुझे पता चले कि लोग मेरी वीडियो पूरी देखते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है यार कि मैं आगे के पार्ट बनाऊं, क्योंकि लोगों ने पूरी वीडियो देखी है और उन्होंने टाइम स्पेंड किया तो मैं भी आगे के पार्ट लेकर के आता रहूं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, और दोस्तों लाइक तो करेंगे ही अगर पसंद आ गया तो, और साथ में शेयर और सब्सक्राइब तो मेरा हक बनता है। और सबसे खास बात यह कि अगर आप अपना कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हैं तो दोस्तों खुल करके दें, क्योंकि मुझे भी इन चीज़ों पर काम करना है और आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट, काफ़ी अच्छे से नॉलेजेबल वीडियो, काफ़ी अच्छे से एजुकेशनल वीडियो लेकर के आनी है। तो आशा करता हूँ आपने मेरी सारी बातों को फॉलो किया होगा। कौन कौन सी? कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।